आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। ये दीवार गिराया गया है, गिरी नहीं है। पांच जन पूरे जख्मी हो गए, एक का तो सर दम फट गया, बीच में हाथ टूट गया। पूरी जांच वाच पुलिस भी करेगी और कॉर्पोरेशन की तरफ से वो जांच करके उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासन की लापरवाही ने एकदम लापरवाही है। ये सब आग बनकर सब काम हो रहा है। जब ये धोखादायक उनको मालूम है धोखादायक है, उसको तोड़ना है तो उसको साइड से पूरा बैरिकेडिंग करना चाहिए था, सेफ्टी करना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था। उनको सब मालूम है यहाँ पे सब लोक वस्ती बहुत ज़्यादा है और रहदारी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये सब चीज की खबरदारी लेके इसको सेफ्टी करके सब तोड़ना चाहिए था। हमला ऐसे कि जो ये हादसा हुआ है और इसमें जो भी इंजरी हुआ है उनका पहले इलाज हुए और उनको नगर पालिका की तरफ से कंपनसेशन भर के मिली, और उसके बाद जो ठेकेदार ये काम करने आया था उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसके बाद वर्क ऑर्डर है कि नहीं उसका वर्क ऑर्डर पहले देखो, और उसको काम करने से पहले पूरा बंदोबस्त करना चाहिए था, सेफ्टी करना चाहिए था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, जबकि अभी कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार को मना भी किया था कि जीसीबी से काम मत करो, हाथ से तोड़ो। बहुत से लोगों ने मोहल्ले वाले ने और वॉचमैन ने भी उसको मना किया था, लेकिन वो जबरदस्ती आगे जीसीबी से काम करने लगा। ऐसा है, ये स्टेज का जो स्टेज का पैसेज था ये धोखादायक था, बहुत दिनों से धोखादायक था, तो इसको उनको डेमोलाइज करना था, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं किए उनको सेफ्टी। उसको ये 10 साल पहले बना हुआ था, 10 साल पहले का था, ये 10 साल पहले का था, वो धोखादायक था, उसको डेमोलेशन करने का था, सेफ्टी लेके करने का था। मुझे 5 बजे फ़ोन आया कि भाई ऐसा हुआ, कोई जीसीबी वाला आया डायरेक्ट खींचने लगा। इधर मालूम पड़ा कि भाई उसको मना किए कि मैन्युअली करो, लेकिन उसने जीसीबी से किया, वो दीवार उस तरफ चली गई। अब ये पूरा स्लम एरिया है, पब्लिक आते जाती, उसको सेफ्टी लेना चाहिए था, वहाँ एंट्री रोकना चाहिए था, वो रोके नहीं। रुक नाम ये हादसा हुआ, फिर ये गरीब नवाज हॉल है, ये स्टेट वो जीसीबी आई थी काम करने के लिए, हाथ से करने के लिए बोले, उसको हाथ से किया नहीं, वो जीसीबी चढ़ाया उसके साथ में, एक स्टेट का स्टेट गिरवा रहे थे, तो उसको मना भी किया, उसके साथ में एक बंदा खुद था, वो खुद रुका रहा था, उसको वो माना नहीं, वो गिरा के पब्लिक का नुकसान, वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे थे गिरे, पूरा दीवार घर पे मेरा घर पूरा चले गया, उसको भरपाई कौन करे, कुछ मांग हम लोग को जो घर नुकसान हुआ बना के चाहिए, देता था अगर पूरा घर उसके ऊपर गिर जाए, पूरी भरपाई चाहिए हम लोग को, जो नुकसान हुआ वो चाहिए पूरा, जो जो मासूम बच्चों को लगा है जो नुकसान हुआ पूरा भरपाई चाहिए, छोटे छोटे बच्चे उसमें हाफी जी भी है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और जो घर जिसका नुकसान हुआ सब में ज्यादा तो मेरे घर के सामने हुआ है, वो मेरे को जो भी नुकसान हुआ भर के चाहिए।